नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 20 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 4% थानों में होगी महिला थानाध्यक्ष और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती। बिहार में नीरा बना रहे 535 समूह। नियुक्ति पत्र के लिए चरित प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। अब स्कूल का यूनिफॉर्म भी बनाएगी जीविका दीदियां। अब क्रिकेट के भगवान ने साकिब गनी को दी शाबाशी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में इंटर मूल्यांकन के लिए बनाए गए इतने परीक्षा केंद्र। बिहार में इंटर की परीक्षा के सफलतापूर्वक आयोजन के बाद अब सूबे में इंटर के कॉपियों के मूल्यांकन का काम शुरू होने वाला है। इसको लेकर कुल मिलाकर 133 केंद्र बनाने का काम हो रहा है। वहीं इसको लेकर कुल मिलाकर 15 से 19,000 परीक्षकों को कॉपी जांच के काम में लगाया जाएगा। सबसे ज्यादा 10 मूल्यांकन केंद्र पटना में बनाने का काम किया गया है। बोर्ड की तरफ से इस बार मूल्यांकन केंद्र का नाम गुप्त रखा गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मूल्यांकन केंद्र कोड भेजा गया है। कोड के अनुसार मूल्यांकन केंद्र का नाम है जो सिर्फ डीईओ की जानकारी में है। डीईओ की तरफ से परीक्षकों को योगदान देने के पहले मूल्यांकन केंद्र का नाम बताया जाएगा। इंटर मूल्यांकन समय से समाप्त हो जाए इसके लिए कॉपी जांच के तुरंत बाद अंक को कंप्यूटर पर अपलोड भी किया जाना है। इसके लिए हर केंद्र पर कंप्यूटर जानकार रखे जाएंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नागार्जुन की। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता और प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की और संस्कृत, मैथिली और बांग्ला से अनुवाद कार्य भी उन्होंने किया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा और ये उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एकमेक हो गया। नागार्जुन का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। बिहार के 4% थानों में होगी महिला थानाध्यक्ष और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती। बिहार पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन भी लगातार काम कर रही है। यही कारण है कि बिहार के थानों में महिलाओं की संख्या में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब रैंक के हिसाब से बिहार पुलिस में तैनात सिपाही से लेकर दरोगा रैंक की महिलाओं को पदस्थापित किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार की माने तो फिलहाल वर्तमान में बिहार के 4% थानों में महिला थानाध्यक्ष है। बिहार के सभी जिलों में महिला थाना में महिला थानाध्यक्ष भी है। इसके साथ ही सभी जिलों के थानों में महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत भी कर दी गई है। इसको लेकर एडीजी ने साफ कहा है कि थानों में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या ना हो, थाना भवन में महिला पुलिस कर्मियों के सुख सुविधा के लिए शौचालय से लेकर सभी व्यवस्था इसी को ध्यान में रखते हुए अलग से की जाएगी। नियुक्ति पत्र के लिए चरित प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। बिहार में प्राथमिक और मध्य स्कूलों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र लेने और योगदान करने के लिए पुलिस की तरफ से सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र की तत्काल कोई जरूरत नहीं है। 42,000 से अधिक अभ्यर्थियों को ये जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने ट्वीट करके दी है। ज्ञात हो शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम समस्याएं और शंकाएं शिक्षा विभाग से पूछी जा रही थी, क्योंकि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र बांटे जाने और योगदान के समय अभ्यर्थियों को तमाम औपचारिकताएं पूरी करनी है जिनके बारे में विभाग से अभ्यर्थी मार्गदर्शन चाह रहे थे। इसको लेकर शिक्षा निदेशक ने एक अन्य ट्वीट में साफ किया है कि योगदान के समय अनिवार्य तौर पर दिया जाने वाला संकल्प दहेज न दूंगा महज खुद की घोषणा है। इसके लिए किसी तरह के शपथ पत्र की जरूरत नहीं है। अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा का प्रवाह। बिहार में ठंड का सितम आने वाले कुछ दिनों में खत्म होता नजर आने वाला है, क्योंकि बिहार में अगले 3 दिनों तक पछुआ हवा का प्रवाह तो जारी रहेगा, लेकिन कई जिलों में बारिश को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय राज्यों से आ रही उत्तर पछुआ हवा से राजधानी पटना सहित कई जिलों में मौसम शुष्क होने के साथ पारे में कोई खास परिवर्तन होने की उम्मीद तो नहीं है। वहीं पूर्वी हवा चलने से तापमान में 3 डिग्री की वृद्धि होने की पूरी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो हवा का रुख बदलते ही बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई है। हालांकि इस बारिश के बाद से ही प्रदेश में तापमान धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि गर्मी आ जाएगी। संविदा कर्मियों की रिपोर्ट तलब का जारी हुआ आदेश। बिहार सरकार ने बीते दिन बिहार
सरकार के सभी कर्मियों पर लगे आरोप की रिपोर्ट तलब करने की बात कही है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक पखवारे का समय भी दिया गया है और ये भी साफ किया गया है कि अगर ये जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई तो संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी भी कार्रवाई की चपेट में आ सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी विभागाध्यक्षों के अलावा पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र जारी कर दिया है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड WBSETCL ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड WBSETCL ने स्नातक अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 62 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 11 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.wbsetcl.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से ले सकते हैं। बिहार में नीरा बना रहे हैं 535 समूह। बिहार में शराब के साथ ही तारी के व्यवसाय पर रोक लगाए जाने के बाद इससे जुड़े लोगों को सरकार ने नीरा निर्माण के व्यवसाय से जोड़ने का काम किया है, जिसके बाद ही मद्य निषेध उत्पाद विभाग के मुताबिक वर्तमान में सूबे में 535 उत्पादक समूह नीरा उत्पादन कर रहे हैं। वहीं इससे जुड़े लगभग 21,236 लोगों को नीरा निर्माण का लाइसेंस दिया गया है। विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार में नीरा निर्माण को लेकर दिए गए लाइसेंस में सबसे अधिक 3,263 लाइसेंस दरभंगा जिले में दिए गए हैं। इसके बाद नालंदा में 2425, सारण में 1361, जमुई में 1282 और नवादा में 1133 लोगों का लाइसेंस दिए जाने का काम हुआ है। हालांकि सबसे अधिक 111 उत्पादक समूह मुजफ्फरपुर में, 61 नालंदा में, 57 सारण में, 50 गया में और 47 नवादा में बनाए गए हैं। हालांकि इनमें से कई उत्पादक समूह का व्यवसाय बंद हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्पादक समूहों के लिए नालंदा, गया और वैशाली जिले में नीरा चिलिंग प्वाइंट बनाए गए हैं, जो फिलहाल बंद पड़े हैं। अब स्कूल का यूनिफॉर्म भी बनाएगी जीविका दीदियां। बिहार की सभी जीविका दीदियां अब मास्क के बाद स्कूल यूनिफॉर्म बनाने वाली है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की दिशा में जीविका के निरंतर बढ़ते कदम के साथ ही बिहार के पहले स्टेट ऑफ द आर्ट सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र की शुरुआत बिहार के मुंगेर जिला में कर दी गई है। जानकारों की माने तो मुंगेर में अधिकतर जीविका महिला सिलाई प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र मील का पत्थर साबित होगा। यहां आधुनिक सिलाई मशीन पर जीविका दीदियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के उपरांत वो यहां से जुड़कर स्कूली ड्रेस का उत्पादन करेंगी और आर्थिक रूप से सबल बनेंगी। सरकार की इस पहल से महिलाएं काफी खुश हैं। हालांकि इससे पहले जीविका दीदियों ने मास्क बनाने में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। अब क्रिकेट के भगवान ने साकिब गनी को दी शाबाशी। रणजी ट्रॉफी में बिहार के लाल साकिबुल गनी विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद एक नया सितारा बनकर उभरे हैं। साकिबुल अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू मैच में 13 शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अब क्रिकेट जगत के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी उनको शाबाशी दी है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि अपने डेब्यू रणजी ट्रॉफी मैच में सॉलिड प्रदर्शन करने वाले साकिबुल गनी को बहुत बहुत बधाई, ऐसा ही प्रदर्शन करते रहो। साकिबुल गनी से पहले फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के अजय रोहेरा के नाम से दर्ज था। अजय ने 2018-19 के रणजी सीजन में हैदराबाद के खिलाफ 267 रन बनाए थे, लेकिन अब गनी रोहेरा से आगे निकल गए हैं। दक्षिण भारत की यात्रा के लिए बिहार से फिर से शुरू होगा आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन का परिचालन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पर्यटकों की मांग को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर से बिहार में आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई जा रही है। IRCTC की तरफ से भारत सरकार के उद्यम की तरफ से आगामी 2 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। बिहार शरीफ में IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार की माने तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ये पूरी यात्रा करवाई जाएगी, जिससे बिहार के विभिन्न स्टेशन पर टूरिस्ट बोर्डिंग स्थल का निर्माण भी होगा। सब कुछ सही रहा तो ये पूरी 13 रात और 14 दिनों की रहेगी, जिसमें 13,230 प्रति व्यक्ति यात्रा शुल्क लगेगा। नालंदा के लोगों को एक ऑफर भी दिया गया है, 10 व्यक्ति अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो उन्हें प्रति व्यक्ति 400 रुपए की छूट दी जाएगी। सहरसा का अति प्राचीन बरगद का वृक्ष पर्यटकों के लिए है आकर्षण का केंद्र।
पुरनहिया प्रखंड के एक गांव में स्थित और अनुमानतः 2 एकड़ में फैला अति प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष के लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़े हैं, जो हाथी घोड़ों जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, कौतूहलपूर्ण दृश्य और क्रीड़ा स्थल है। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ एक मेले जैसा दृश्य होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मूल तना के जड़ की खो में नागदेवी और नागदेवता का निवास है। बिहार के इस जिले में अब बनेगा दूसरा तारामंडल। अगर अब तक आप जब भी तारामंडल की बात सुनते होंगे तो आपको राजधानी पटना की ही याद आती होगी। आए भी क्यों ना, पटना ही तो है जहां पर तारामंडल का निर्माण हो रखा है। वहीं जब भी अंतरिक्ष की दुनिया को देखने का मन हो तो आमतौर पर पटना से बाहर रहने वालों को पटना आना पड़ता था, लेकिन अब आपके पास आने वाले दिनों में दूसरे तारामंडल का भी विकल्प होगा। जी हां, आपने सही सुना, पटना के बाद दरभंगा में बिहार का दूसरा तारामंडल बनकर तैयार हो रहा है। उम्मीद है अगले कुछ महीने में दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। इसका काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से 73,60,331 रुपए की लागत से 3.5 एकड़ रकबे में इसका निर्माण दरभंगा पॉलिटेक्निक कॉलेज की जमीन पर हो रहा है। पटना एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर टैक्सी ट्रैक का होगा निर्माण। पटना एयरपोर्ट पर रनवे के समानांतर जल्द ही एक टैक्सी ट्रैक को बनाए जाने की तैयारी हो रही है। इसके बनने से विमानों के उतरने और उड़ान भरने की प्रक्रिया आसान और सुरक्षित हो जाएगी। परिसर में अभी वर्तमान समय में एक विमान के उतरने और पार्किंग एरिया तक पहुंचने के दौरान रनवे पर किसी भी विमान का उतरना और उड़ान भरना मुश्किल होता है। समानांतर ट्रैक बनने से कोई भी विमान रनवे पर उतरने के बाद कुछ दूरी पर एक लेन के जरिए समानांतर बने टैक्सी ट्रैक पर आ जाएगा। पटना एयरपोर्ट के अधिकारियों की माने तो ट्रैक के बनने से एक विमान का 5 मिनट समय बचेगा, साथ ही साथ सेफ्टी की स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी और विमानों को रनवे से टैक्सी ट्रैक तक ले जाने के लिए तकनीक आधारित निर्देशों का सहारा लिया जाएगा। रिम्स में बंद हुआ लालू यादव का दरबार। डोरंडा कोषागार मामले में दोषी करार किए जाने के बाद रिम्स रिमांड पर भेजे गए लालू प्रसाद यादव का दरबार अब बंद कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले जब वो रिम्स में थे तो उनका यहां दरबार चलता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर जैसे ही लालू प्रसाद यादव के जनता दरबार की जानकारी निकल करके वायरल हुई, तब से ही प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि एक राहत ये भी है कि सिर्फ शनिवार को लालू यादव की सहमति से ही उनसे मिलने की अनुमति कुछ लोगों को दी जाएगी, जिसके बाद चारा घोटाला मामले में लालू यादव की सजा विशेष सीबीआई अदालत के यहां पर 21 फरवरी को सुनवाई होनी है। हेमंत सोरेन पर बरसे नीतीश। बीते दिन ही ऐसी खबर आई कि झारखंड से भोजपुरी मगही भाषा का क्षेत्रीय भाषाओं की लिस्ट से इसे बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद से ही झारखंड के साथ साथ बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है, जिसके तहत ही अब सीएम नीतीश ने खुद भी हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एक परिवार की तरह दोनों राज्य भले ही अलग होकर झारखंड का गठन हुआ हो, झारखंड के अंदर भोजपुरी और मगही ही बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद है। बिहार में भी यही बात लागू होती है, लेकिन पता नहीं झारखंड सरकार क्यों इस तरह का फैसला कर रही है। यकीनन इस फैसले से सरकार को खुद बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जातीय जनगणना में हो रही देरी पर जवाब दे नीतीश कुमार। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर है। हालांकि इस मांग को लेकर वो भले ही जदयू के साथ है, लेकिन जनगणना में लगातार हो रही देरी से वो खासा नाराज नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर हम लोगों की मुलाकात हुई थी तो मैंने ये कहा था कि बिहार को जातीय जनगणना कराना चाहिए। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्रहित में है। बिहार में जातीय जनगणना का समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी किया था, फिर आखिर क्यों वो इसमें देर कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। अगर हमारी सरकार होती तो हमने इसे तुरंत करा दिया होता। आखिरकार एनके से मिलने पहुंचे पीके, शुरू हुई कयासों की आंधी। बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की दोस्ती की खूब चर्चाएं रही है, क्योंकि प्रशांत किशोर ही वो चेहरा है जिन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दिलवाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि कुछ समय पहले मनभेद के कारण दोनों के रिश्तों में भले ही दरार आ गई थी, लेकिन एक बार फिर से बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर और सीएम नीतीश कुमार के साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई है। और हो भी क्यों ना, बीते दिन दिल्ली में दो बड़े चेहरों की मुलाकात जो हुई उसके बाद चर्चाओं का शुरू होना लाजमी था, लेकिन दोनों ने ही मुलाकात को लेकर कुछ भी नहीं बोलना मुनासिब समझा है। जहां एक तरफ सीएम नीतीश इस मुद्दे को टालते देखे गए, वहीं प्रशांत किशोर ने इसे महज एक मुलाकात बताया। सुशील मोदी के बेटे की शादी में लगा राजनेताओं का जमावड़ा।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बेटे की शादी बीते दिन नोएडा में संपन्न हुई। इस शादी समारोह का पहले तो लाइव प्रसारण हुआ ही, साथ ही शादी समारोह में बिहार के शीर्ष सियासी लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला, जिसके तहत इस समारोह का हिस्सा बनने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित केंद्र सरकार में शामिल कई मंत्री और भाजपा जदयू नेताओं के अलावा बिहार के नेता शामिल रहे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीते दिन सुशील कुमार मोदी के छोटे बेटे अक्षय अमृतांशु की शादी स्वाति के साथ शुभ मुहूर्त में एक सादगीपूर्ण समारोह में हुई। मरणोपरांत ही सही, लेकिन चिराग ने पूरी की अपने पिता की ख्वाहिश। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भले ही आज किसी भी तरीके से पार्टी को वापस से धरातल पर लाने की कोशिश में लगे रहे हों, लेकिन अभी भी उनका ये सफर बेहद ही मुश्किल होने वाला है, जिसके कारण कई बार उनकी तुलना अपने पिता से भी की गई है। हालांकि इन सबके बीच अब चिराग ने अपने पिता से ही एक कदम आगे बढ़कर एक नया कारनामा कर दिया, जिसके तहत ही जहां वो भले ही अपने चाचा को रोकने में कामयाब नहीं दिखे, लेकिन पहली बार अपनी माँ और बड़ी माँ को साथ लाने में कामयाब हो गए हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसको देखने के बाद ही सभी लोगों ने अपनी खुशी तो जाहिर की ही। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि लगभग 44 साल बाद पहली बार यह संभव हुआ है कि स्वर्गीय रामविलास की दोनों पत्नियां एक साथ मिली हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान चिराग के साथ उनकी बहन और उनके भांजा भांजी भी मौजूद थे। पप्पू यादव मांगेंगे 17 साल का हिसाब। जा प्रमुख पप्पू यादव आए दिन सरकार के नीतियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते रहते हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव एक बार फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू करने वाले हैं, जिसके तहत ही उन्होंने बीते दिन एक कार्यक्रम का संबोधन करने के दौरान कहा कि लगातार आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है तो जनप्रतिनिधि क्या सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा नाम की चीज नहीं रह गई है। विपक्ष के पास 75 विधायक होने के बाद भी उनके पास कोई क्षमता नहीं है। कहा कि दरभंगा और गया की घटना की सीबीआई जांच को लेकर हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, विशेष राज्य के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सरकार से जल्द ही 17 साल का हिसाब मांगा जाएगा। रोहित शर्मा बने टेस्ट के नए कप्तान। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ आगामी T20 और टेस्ट सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की कमान सौंपी गई है, वहीं विराट कोहली और ऋषभ पंत को T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। सलामी बल्लेबाज KL राहुल वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में चोटिल होने की वजह से बाहर है। दोनों ही टीमों के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह होंगे। वहीं बड़ी खबर यह है कि चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को बाहर का रास्ता दिखाया है। दोनों ही खिलाड़ियों को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली है। रोहित को टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त करते हुए चेतन शर्मा ने कहा कि रोहित हमारे देश के नंबर 1 क्रिकेटर है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज आधिकारिक तौर पर खुला। 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को आजादी देने का ऐतिहासिक ऐलान किया। 1950 में देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई और राष्ट्रवादी नेता शरद चंद्र बोस का निधन हुआ। 1987 मिजोरम को भारत का 23वां राज्य घोषित किया गया। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। मुगल साम्राज्य का शासक औरंगजेब का 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कन्हार नदी जल पर 1982 में समझौता हुआ। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में पाकिस्तान की ऐतिहासिक बस यात्रा की। भारतीय अभिनेत्री जिया खान का 1988 में जन्म हुआ। 1950 में स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का निधन हुआ। व्हाट्सएप पर अब ओपन करने से पहले देख पाएंगे फोटो वीडियो का फुल प्रीव्यू। व्हाट्सएप अपने एंड्रॉइड यूजर को एक शानदार फीचर देने वाला है। ये फीचर मीडिया फाइल्स का फुल प्रीव्यू दिखाएगा। जी हां, एक नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप एक ऐसे फीचर की टेस्टिंग कर रहा है जो एंड्रॉइड ऐप पर डॉक्यूमेंट के रूप में शेयर की गई फोटो और वीडियो का फुल प्रीव्यू दिखाएगी। इस फीचर का नाम है डॉक्यूमेंट प्रीव्यू। डॉक्यूमेंट प्रीव्यू फीचर वर्तमान में पीडीएफ फाइल्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि व्हाट्सएप ऐप पर भेजी गई फोटो वीडियो को कंप्रेस कर देता है। ऐसे में उपयोगकर्ता को कंटेंट की ओरिजिनल क्वालिटी बनाए रखने के लिए इन्हें डॉक्यूमेंट के रूप में भेजना पड़ता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सहनी ने सभी सीटों पर लड़ने का किया ऐलान। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। बिहार में होने वाले एमएलसी चुनाव को लेकर एक के बाद एक राजनीतिक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर रही है। वहीं अब मुकेश सहनी ने भी सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। यही नहीं, मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि जदयू के खिलाफ वो उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर है और बिहार सदन में रुके हुए हैं। दिल्ली के बिहार सदन में जाकर मंत्री मुकेश सहनी ने उनसे मुलाकात की, क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी फिलहाल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगे हुए हैं। उनका पूरा ध्यान यूपी चुनाव पर है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है अजीमा फिरदौस, गौतम कुमार, अमित कुमार यादव, रघुनाथ प्रसाद, जितेंद्र रविदास, कुमुद कुमार, शंकर मुखिया, ललन कुमार, रंजीत मेहता, आतिक खान, रंजन कुमार यादव, रूपेश कुमार, रोशन कुमार, अक्षय कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो आज के सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़े समाचार को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन क्रिकेट से जुड़े समाचार मिलेंगे। इसका लिंक आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपके अनुसार रोहित शर्मा को टेस्ट का कप्तान बनाए जाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।